तो हमारा आंसर सही है या वरना गलत होगा। अगले प्रश्न में एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में AC इसका एक विकर्ण है, AC इसका विकर्ण है। अब इन शीर्षों से यहां पर लंब डलें, एक AB N और C D M, ये लंब है यानी कि ये कोण 90 डिग्री के होंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज C D M समांतर चतुर्भुज A B C D में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज CMD सर्वांगसम है त्रिभुज ANB के। इसको सिद्ध करने के लिए एक 90 डिग्री का कोण इसमें और एक 90 डिग्री का कोण इसमें, यह हमें पहले ही पता है। तो कोण BMC बराबर है कोण BNA के, क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री के। अब जैसा कि हम जानते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं दूसरे के बराबर होती है, तो ए बी बराबर होगा सी डी के। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। 90 डिग्री का एक कोण और सामने यानी कि कर्ण बराबर। अब चाहिए एक भुजा। भुजाओं में हमारे पास अब जो बचता है इनके बाद वो है DM और BN, जो कि ये लंब बराबर है। तो DM बराबर है BN के, यह हमें दिया हुआ है। R इनके कर्ण बराबर है, H और एक एक भुजा बराबर है S। तो RHS के नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज CMD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ANB के।